Esminių nebalkyčia nankosavskaip kidžie. Ol bel aikan ko dabana nabulie. मैं गुलाम अहमद मीर जनूबी कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में सोच समझ के अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। मुल्क में एक सेकुलर सरकार कायम हो और मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा मैंडेट लेकर आएगी और पूरे भारत में एक सेकुलर सरकार कायम करेगी। बिना देर के सब लोग निकलें और अपने पोलिंग बूथ पर जा कर के हाथ के निशान पर बटन दबाकर हमें कामयाब करें। ज़िले के बाय एंड लार्ज लोगों को शुक्रिया करूँगा कि जिन नामसाइब हालात के बावजूद जितने भी परसेंटेज में वो निकले हैं और उन्होंने अपना इंडिकेशन क्लियर किया है कि हम सियासी तौर समझदार हैं और उन्होंने जो अपना रिजल्ट बनाया है वो दिल्ली में एक अच्छी सेकुलर सरकार कायम करने के लिए, जिसमें हमें जो असेसमेंट है कि कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी बहुमत के साथ में अनंतनाग से वोट मिले। अब चूंकि कुलगाम ज़िले का परसों वोटिंग है, हमने आज कंपेनिंग कंप्लीट की है, हमने नूराबाद, कुलगाम, शालीपुर और दिवसर के मल्टीपल टूर्स किए और हर नुक एंड कॉर्नर की ओर हमने टच की और जो वहाँ रिस्पांस मिला उससे एतमाद हम बजाय हासिल कर रहे हैं कि लोग साउथ कश्मीर के इन जनरल अनंतनाग ने अपना फैसला दिया और कुलगाम परसों जो फैसला देने वाला है मुझे उसमें बहुत ही इत्मीनान महसूस हो रहा है कि वहाँ भी पॉलिटिकल सिग्नल क्रिस्टल क्लियर है। कोई कंफ्यूजन नहीं है लोगों के मन में कि हम इसको वोट डालें या उसको वोट डालें या क्या करें, जो अक्सर होता है। बहुत समझदारी के साथ लोग इस चुनाव में कुलगाम ज़िले के लोग, चाहे वो नूराबाद हो, शाली हो, कुलगाम दूसर के लोग हो, वो आने वाले चुनाव के दिन 29 तारीख को कांग्रेस पार्टी को अपना भारी बहुमत से वोट डालने वाले हैं। ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन है, आपको पता नहीं है कितनी लोवेस्ट लेवल की पॉलिटिक्स मैंने तो अपने 35 साल में कभी नहीं देखी है कि कैंडिडेट कल की चीफ मिनिस्टर इस रियासत की, आज की कैंडिडेट, अपने लोग उसको मुंह मोड़ चुके हैं और अब दूसरे अपोजिट पार्टी को और उनके ओहदेदारों को खुद फ़ोन करती है खुद, तो मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी वो हूँ, तो उन्हें बता दिया उसको, बहन के इंतजाम तो देख लिए हमने 4 साल। तो इस स्तर पर कोई राजनीतिक जाए तो वो तो बेहतर है, उसको सियासत से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये बताइए कि जो पिछली बार हमने लो टर्न आउट देखा कुछ एरियाज में अनंतनाग में, क्या आपको खर्चा है कि कुलगाम ज़िले में वो रिपीट हो सकता है? देखिए, कुलगाम ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा वल्नरेबल पिछले हालात में रहा, जब हम कुलगाम के मैक्सिमम एरिया कह रहे हैं एज कम्पेयर टू अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो कॉमन सेंस सी बात है, कुछ उसके स्ट्रॉन्ग बेल्ट्स है दूर दराज इलाके और जो प्लेन एरियाज हैं, चाहे होम शालीबुग है या कुलगाम के कुछ एरियाज हैं, वहाँ नुकसान भी पीडीपी सरकार ने ज़्यादा पहुँचाए हैं। अगर हम एवरेज देखेंगे तो उस खत्ते में जानी माली नुकसान ज़्यादा हुआ, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का असर परसों के चुनाव पर साफ साफ दिखाई देगा। देर